ड्रग्स, सिगरेट, शराब सब कुछ चल रहा था उस पार्टी में। मैंने इन बच्चों को रंगे हाथों पकड़ा है, जिसमें से एक आपकी बेटी भी है। 14-15 साल की उम्र में ऐसी हरकतें? इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मैडम, उस छोकरी को लेकर आओ। यही है ना आपकी बेटी पीहू? फिर वही सपना। क्यों आता है ये सपना मुझे बार बार? थैंक गॉड सपना ही था। पंद्रह साल की हो गई है मेरी पीहू। 15 साल की बेटियां कैसी होती हैं ये तो आपको पता ही है ना। 15 साल के बच्चों के चेहरे देखो ना तो एकदम फ्रेश, और माँ बाप के देखो तो एकदम स्ट्रेस। पहले जब स्ट्रेस होता था तो मिस्टर कपूर के साथ शेयर कर लेती थी, लेकिन अब मिस्टर कपूर होते ही कहाँ हैं। ये इतनी सारी तस्वीरें देख रहे हैं आप लोग, ये हमारी वेरियस हॉलीडेज की हैं। ये वाली तब जब दोनों जुड़वा बेटियां 1 साल की थी, हम लोग साथ में 15 दिन के हॉलीडे पे गए थे। ये तब जब 2 साल की थी, फिर 3 साल, 4 साल, उसके बाद ना वक्त रहा ना हॉलीडेज। क्या करें, मिस्टर कपूर काम में ही इतने बिजी हो गए। आजकल भी काम और राम एक साथ ही पाए जाते हैं। वैसे जब उनके पास वक्त था भी ना, तब भी हम सिर्फ एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे, बहुत झगड़ते थे हमेशा की तरह। सो जा बच्चे, सो जा, बहुत सो जा, चलो कम ऑन। अच्छा ओके 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 ओके, प्ले प्ले, ये लो मिस्टर कपूर, कल ना सुलाने की बारी आपकी है। अरे ब्रा, नहीं 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 प्रिया प्लीज। क्यों, रात को जागना क्या सिर्फ मेरी ड्यूटी है? आपके बच्चे नहीं है, कल रात को आप जाके उन्हें सुलाएंगे। ओके भैया, देखो कल बहुत काम है। एक मिनट, आपको क्या लगता है काम सिर्फ आप ही करते हैं? मैं नहीं करती, आपसे ज्यादा काम करती हूँ मैं। इनफैक्ट तिगुना काम करती हूँ, 3-3 बेटियों को अकेली पाल रही हूँ मैं। ओके, रिलैक्स। वैसे तो रोज कहते रहते प्रिया वी आर इन इट टुगेदर, एक रात उठ के बच्चों को संभाल नहीं सकते आप, हद होती है। लेकिन अब हमारी लड़ाई नहीं होती, पता है क्यों? क्योंकि अब मिस्टर कपूर मेरे आसपास ही नहीं होते लड़ने के लिए। वो आज भी अपने काम में उतने ही बिजी हैं जितने कि पहले, शायद और भी ज्यादा। और मैंने अपना काम छोड़ दिया। पूछे क्यों? अरे बाबा, 3-3 बेटियां जो पालनी थी। आज के जमाने में पति की हेल्प के बिना 3 बेटियों को पालना किसी फुल टाइम जॉब से कम नहीं है। आप तो जानते हैं ना जमाना कितना खराब है, कुछ भी सेफ नहीं, लड़कियों का खास ध्यान रखना पड़ता है। और फिर आजकल के बच्चे कुछ बताते भी तो नहीं है, पता ही नहीं चलता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। नेहा का फोन रोज सुबह आता है। हेलो फोन, तुमने आज का पेपर पढ़ा? रोज ब्रश करते वक्त फोन करती है। नहीं पढ़ा, क्यों क्या हुआ? अरे यार, एक और 16 साल की लड़की 17 साल के लड़के साथ भाग गई। Are you serious? वो जो लड़की थी ना, हमारे ही शहर के कॉलेज की लड़की है। Oh my God, ये आजकल के बच्चों को हो क्या गया? I'm glad मेरी इतनी बड़ी हो गई है, डार्लिंग मेरी टेंशन कम हुई है, because अब तो उसकी शादी करानी है, अच्छा लड़का ढूंढना है, एंड लड़के भी वो कुछ कम है, मेरे सारे को ले लो, इतना टेंशन देता है मुझे। एक मिनट नेहा, आर यू वरिड कि सैमी का किसी लड़की के साथ? सैमी ना एक्चुअली मेरे लिए लाइफ की बहुत बड़ी मिस्ट्री है, मतलब एक ना एक दिन मेरे बच्चे ने मुझे हार्ट अटैक देने वाले, इसलिए मैं तुम्हें फोन करके अपना मन हल्का कर लेती हूँ। ओह माय गॉड, मैं लेट हो गई रेहा, मुझे तैयार होना है और फिर चेक करना है कि बच्चे तैयार हुए या नहीं।
पीहू का कॉलेज, दोनों बेटियों का स्कूल, यू नो हाउ इट इज इन द मॉर्निंग. सुन ना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ. ओके प्लीज बाय. जल्दी पपैया खा लो. अच्छा ठीक है, नहीं नहीं आ जाओ. गुड मॉर्निंग बेबीज. मायरा सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हैं, शिकायत नहीं करते. मामा ये देखो ये वापस मुझे बुली करनी है. मायरा दैट्स रॉन्ग. ऐसे हंसते हैं छोटी सिस्टर पे, आप बड़े हो ना. पर मामा पापा ने मुझे एक्सप्लेन किया था कि मैं 2 महीने बड़ी. सो व्हाट, बड़ा बड़ा होता है, 2 मिनट हो या 2 साल, आप बड़े हो, आपको छोटी बेबी की केयर करनी चाहिए. अच्छा नाउ फिनिश योर ब्रेकफास्ट फास्ट, कम ऑन. ये सैंडविच, दूध फिनिश करो दोनों, और ये फ्रूट्स भी खाने आप लोगों को. ओके याक वाक कुछ नहीं, फिनिश इट फास्ट. कम ऑन स्कूल बस आने वाली होगी. जा सकते क्या? जा तो सकते हैं, लेकिन मॉम चाहती है कि आप दोनों भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल बस में जाओ. ओके पर आपने डैडी को बोला कि मुझे पीहू दीदी के साथ टैग चाहिए. देखो पीहू दीदी को ना उनका टैबलेट पापा ने उनके 15th बर्थडे पे दिया था, तो जब आप दोनों 15 के हो जाओगे आपको भी मिल जाएगा. मॉम तो फिर हमें हमारा टैग 15th बर्थडे तक मिलेगा? हाँ. नाउ कम ऑन जल्दी से निकलो, स्कूल बस आ रही होगी. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम. बाय मम्मा. बाय पीहू. पीहू बेबी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मामा. क्या छुपा रही है तू? मैं? हाँ मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ. ये लैपटॉप क्यों बंद किया तूने मेरे आते? क्योंकि कौन सा इनका टाइम हो गया, दैट रिमाइंड्स मी रेडी होना है. एक मिनट. अरे जब से तू कॉलेज जाने लगी है ना तब से, जब से मैं कॉलेज जाने लगी ना मम्मा तब से आप मुझ पर और नजर रखने लगी हो. मम्मा आप मुझ पर इतनी जासूसी करते हो कि आपको लगता है मेरे पास कोई स्कोप है बुरे काम करने का. आपकी मॉम्स पाई कहने से मैं तो नहीं बच सकती. माय फोन रिमाइंड्स मी, जब पापा ने मुझे ये फोन गिफ्ट किया था ना, आपने पापा से इतनी लड़ाई की थी कि आप दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर 3 क्रिएट हो गया था. मम्मा ट्रस्ट मी, आपको पता है वैसे भी कॉलेज में मुझसे कोई बात नहीं, उनको लगता है मैं एक बुकवर्म हूँ, बोरिंग टाइप. तो क्या हुआ अगर बुकवर्म बोलते हैं, बोरिंग बोलते हैं तो बोलने दे, हम तो जानते हैं ना कि हम कैसे हैं, है ना. किसका फोन है? मानव का फोन है. एक, आप मानव के बारे में कैसे जानते हैं? बस मेरा रात को फोन से चेक किया था आपने. नहीं पीहू मैंने मैंने नहीं. मम्मा मानव मेरा एक क्लासमेट है जो कि नोट्स के लिए फोन कर रहा था. आप मुझे ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो? तुझे ट्रस्ट करती हूँ बेबी, लेकिन तूने आज का पेपर पढ़ा? फिर से किसी टीनेजर ने कुछ कर दिया. हाँ नो 10 days का और टॉर्चर. शिट आई मीन डीप शिट. पीहू 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 बेटा बेटा सुनना, कॉलेज से सीधे घर आना. ओके मैं जाती कहाँ? हाँ ये बात भी है. पापा सुन सुन सुन, मैं तेरा कॉलेज खत्म होगा ना उसी टाइम पे मैं तेरे कॉलेज. नो वे, आप मुझे पिकअप करने नहीं आ रहे हो. मामा मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे. आप नहीं आ रहे बस. पीहू फाइन, वो कॉलेज के बाहर जो कैफेटेरिया है ना, मैं वहां पे आपका वेट करूंगी, वहीं से डायरेक्टली घर जाएंगे. बाय. एंड मेरा लैपटॉप ऑन करके मेरी चीजें चेक करने की कोशिश मत कीजिएगा, मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया. मैं क्यों चेक करूंगी? हाय हेलो. हाँ अरे नहीं यार, आज कॉलेज के बाद नहीं रुक पाऊंगी. यू नो माय मॉम ना वो आ रही है मुझे लेने. अरे तू जानती है ना मेरी मॉम को, जब वो बोलती है कि वो कॉलेज के पास से गुजरने वाली है तब तो वो डेफिनेटली आने वाली है. पता नहीं क्या चेक करने आती है, एज इफ मैं कॉलेज की मिस पॉपुलर हूँ. पता नहीं किससे बात कर रही है, माना भी होगा या पता नहीं कोई और लड़का होगा. ये लड़की भी ना, बट ये अगर मेरी बेटी है तो मैं भी इसकी माँ हूँ, पता लगा कर ही रहूंगी. ये ओ माय गॉड, इसने तो सच में पासवर्ड चेंज कर दिया है.
खुश खुश सुन पीहू का मुझे पता है पासवर्ड ये आ गया मेरा सेवियर अच्छा सुन आज की हेडलाइंस क्या है बेसिकली मॉम हमारे कॉलेज में दो पार्टीज हैं एक ऑफिशियल और एक अनऑफिशियल ऑफिशियल पार्टी कॉलेज पे है और अनऑफिशियल किसी के घर पे है ऑफिशियल पार्टी तो बोरिंग होगी लेकिन घर की पार्टी रॉकिंग घर पे लड़के आएंगे ऑल दैट तू जाएगा पार्टी में ऑफ कोर्स ये जानने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है वैसे तुझे क्या लगता है पीहू जाएगी क्या पता नहीं मॉम लेकिन आप टेंशन मत लीजिए मैं हूँ ना फोन जरूर कर दूँ थैंक यू तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ मैं जानता हूँ आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो क्योंकि मैं आपकी परछाई हूँ ना जासूस परछाई आपने मुझे मेरी तीनों बहनों का चार्ज दे रखा ना जासूसी का मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा बिकॉज आई लव यू मॉम आई लव यू टू वैसे मैं तुझे इसलिए नहीं प्यार करती क्योंकि तू मेरा जासूस है तो मेरा स्पेशल बच्चा है जितना प्यार मैं अपनी तीनों बेटियों को करती हूँ ना उतना ही प्यार मैं तुझे भी करती हूँ अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ कॉलेज जा अरे रुक तो इधर आ गॉड ब्लेस ओके भाभी आप जितना खुश से प्यार करती हैं शादी अपनी तीनों बेटियों से प्यार करती होगी मुझे नहीं लगता कि आयशा उसे इतना प्यार दे पाती पता है क्या सौम्या मैंने कभी खुश को आयशा का बेटा माना ही अपना बेटा मान के पाला मैं तो सबसे यही कहती हूँ कि मेरे तीन नहीं चार बच्चे हैं और चारों मुझसे बहुत 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 प्यार करते हैं भाभी आज पापा वापस आ रहे हैं ना पता नहीं तुम्हारे पापा तो कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता कितने बिजी रहते हैं वो आप लोग ना माँ बाप बनने में हस्बैंड वाइफ बनना भूल गए हो आप दोनों को अपने रिश्ते पर भी ध्यान देना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि आप बच्चों के साथ बिजी है पापा काम में और आप एक दूसरे को ही भूल जाओ आप लोग को ना एक वेकेशन पर जाना चाहिए वहां थोड़ा लड़ाई झगड़ा करेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा देखती हूँ तुम्हारे पापा वापस आएंगे ना तो बोलूंगी उनको कि बच्चों के साथ किसी भी बच्चों के साथ नहीं सिर्फ आप दोनों अकेले अरे पर बच्चों को छोड़ के कैसे जाएंगे मैं घर पर ही रहूंगी और मैं सब संभाल लूंगी और वैसे भी आपका वो जासूस खुश है ना सारी खबर देते रहेगा आपको आप प्लीज आज जैसे ही पापा आएंगे ना कहीं बाहर जाने का प्लान बनाइए ठीक है आने दो तुम्हारे पापा को बात करती हूँ हाय वेलकम बैक हाय हाय प्रिया कैसी थी आपकी ट्रिप अच्छी थी डील साइन हो गई बट बहुत टायरिंग थी आई एम वेरी टायर्ड अब बस कुछ घंटे सोना चाहता हूँ हाँ आई कैन अंडरस्टैंड लेकिन आपसे कोई जरूरी बात करनी अरे अभी नहीं प्लीज यार आई रियली नीड टू स्लीप मैं बहुत बहुत प्लीज सुनिए ना पीहू के बारे में बात करनी है बाद में यार प्लीज हेलो हाँ मैं अभी बात नहीं कर सकता है प्लीज कपूर हाँ प्रिया बोलो किसका फोन था ऑफिस का था यार तुम बोलो कुछ बात करना चाह रही हाँ बात तो बच्चों के बारे में करनी थी लेकिन आप इतने थके हुए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए आप और मैं मतलब हम दोनों एक मिनी वेकेशन पे चलें पीहू की जासूसी करते करते बोर हो गई नहीं वो तो चलता रहेगा लेकिन मुझे भी तो ब्रेक चाहिए ना और वैसे भी क्या आप और मैं छुट्टियों पर नहीं जा सकते कितने साल हो गए हैं हमें कहीं गए हुए पता है आज सुबह ही मैं दीवारों पे लगी हुई सारी तस्वीरें देख रही थी एंड यू नो व्हाट आई रियलाइज्ड कि जब से पीहू 11 साल की हुई है और दोनों बच्चियां 3-4 साल की तब से आप फोटोग्राफ्स में है ही नहीं और आपकी और मेरी तो साथ में पिक्चर्स ही नहीं है दैट मींस हमने टाइम ही नहीं स्पेंड किया दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि हमें एक वेकेशन पे जाना चाहिए ठीक है मैं कुछ प्लान करता हूँ अगले 2-3 महीनों में डिज्नीलैंड या कहीं बच्चों को ले जाएंगे उनको बहुत मजा आएगा 2-3 महीने बाद तो हम बच्चों के साथ चले जाएंगे दैट्स ऑल राइट अभी सिर्फ आप और मैं नहीं जा सकते कहाँ मतलब ऐसे ही चलते हैं ना अभी आई नो आप थके हुए हैं रेस्ट कर लीजिए उसके बाद रात को
एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, डिनर मे बी लोनावला। एक रात के लिए फिर वापस आ जाएंगे। क्यों नहीं कर सकते? व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? एक मिनट, एक यार, इट्स दिस इज इंपॉर्टेंट यार, मेरे को जरा दो मिनट बात करना। अरे मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि जब मैं घर में होता हूं तो फोन मत किया करो। क्या आज रात? मैं आज रात कहीं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। अरे यार, अभी अभी प्रिया कहीं बाहर जाने की बात कर रही थी और मैंने मना कर दिया, अब मैं तुम्हारे साथ कैसे बाहर आ सकता हूं? ओके ओके ओके, नाराज मत हो यार, रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। यू नो कि जब तुम अपसेट होती हो आई कांट हैंडल इट। ठीक है, मैं आता हूं यार। यस आई विल कम। ओके आई लव यू। प्रिया आई एम सॉरी यार, आज रात को कहीं नहीं जा पाएंगे। एक्चुअली मुझे टाउन जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेलीगेट से मिलना है। सॉरी, देखो कल रात प्रॉमिस रहने दीजिए। कल रात आपकी कोई मीटिंग हो जाएगी, परसों कोई और ऐसे ही दिन बीतते जाएंगे। इट्स ओके, आई एम टेलिंग यू ना, आई प्रॉमिस, रियली। ओके ठीक। मलिका, देयर यू आर। आज तो पकड़े जाने वाले थे, नीचे विक्रम मिल गया मुझे। एनीवे, फॉरगेट ऑल दैट। आई लव यू सो मच। बीवी को कब बताओगे मेरे बारे में? उससे पता चल गया तो? मेरी बीवी को कुछ नहीं पता चलेगा, वो बच्चों में इतनी घुसी रहती है उसको पता ही नहीं चलता कि उसका पति क्या कर रहा है। Really? और तुम्हारे पति को पता चल गया तो? उन्हें भी कुछ नहीं पता चलेगा, वो अपने ऑफिस में इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता लगता कि मैं क्या कर रही हूँ। वो जैसे है ना साइज में गोलू, वैसे सोच भी है उनकी, मतलब थोड़े से भोले हैं गोलू राम। मतलब डम? हाँ काइंड ऑफ। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, मुझे डम कहा तुमने यार? अरे विराज, मैंने तो अपने हस्बैंड को डम कहा। अरे God damn this Viraj, यार हस्बैंड तुम्हारा मैं ही तो हूँ। लेकिन आपने ही तो कहा था कि थोड़ी देर के लिए मैं मलिका और आप विराज हैं, we'll do this role playing and all। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने हस्बैंड को डाउन करो यार। अरे बट आपने भी तो मेरे बारे में कितना कुछ कहा कि मैं हमेशा बच्चों में बिजी रहती हूँ एंड गॉड नोज व्हाट ऑल, मैंने तो बुरा नहीं माना। एनीवे, इसीलिए मुझे ये सब, ये रोल प्लेइंग एंड ये सब अच्छा नहीं लगता है। कितने दिन तक ये सब और करना पड़ेगा? आप सच सच बताइए, आप अपनी बीवी से बोर तो नहीं हो गए? अपनी बीवी से बोर होता तो अपनी बीवी को यहाँ मिलने क्यों आता है यार? It's just that घर में तुम बच्चों में बिजी रहती हो, इतना सारा काम रहता है, यहाँ पर मैं सिर्फ अकेले तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। और फिर शादी के बाद ऐसी सब चीजें करने से एक्साइटमेंट बनी रहती है ना। बट एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी, क्या प्लानिंग की मैंने, वो पहले फोन कॉल से लेकर। हेलो विराज, क्या हम दोनों आज रात को मिल सकते हैं? हाँ बट यू नो व्हाट, ये विराज ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब अगर मैं आपसे अकेले मिलने के लिए आऊंगी भी ना, तब भी आपको राम ही कहूंगी। एक्चुअली मुझे भी ये भोले का नाम पसंद नहीं है। हाँ लेट्स जस्ट स्टिक टू राम। इतने दिनों के बाद, चार बच्चों के बाद हम दोनों ऐसे अकेले मिल गए। यार प्रिया, व्हाट इज दिस? एक मिनट, आई एम सो सॉरी। वो हेलो मॉम, थे कहाँ? मैं आपको जब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, आपका फोन स्विच ऑफ क्यों था? मॉम, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि आज शायद से पीयू पार्टी में जा रही है। व्हाट? नो नो नो, वेट, मैं आ रही हूँ अभी, मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ? अरे वो पीहू पार्टी में, मैं बता रही हूँ। अरे यार तुम, नहीं तुम मुझे बताओ कहाँ पे हो, मैं आ रही हूँ वहाँ पे। इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद मेरी बीवी को मैं घर से बाहर जरूर ला सकता हूँ, लेकिन घर को, बच्चों को मेरी बीवी से बाहर कर
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.